कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट के एक वायरल ऑडियो पर हंगामा मचा हुआ है। इस ऑडियो में उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर फिर से विचार करेगी। उनके इस बयान के बाद कई बीजेपी नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीजेपी के सोशल मीडिया चीफ अमित मालवीय द्वारा ट्वीट किए गए ऑडियो को शेयर करते हुए लिखा, कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता है जिसने कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोए हैं और घाटी में पाकिस्तान के मंसूबों को बढ़ावा दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह पाकिस्तान की हां में हां मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल को इस पर जवाब देना चाहिए। पात्रा ने कहा कि यह वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को एक हादसा बताया था और 26/11 आतंकी हमले को RSS की साजिश करार दिया था। पात्रा ने कहा कि यह सब उस टूल किट का हिस्सा है जिसमें भारत को बदनाम करने और प्रधानमंत्री मोदी को अपद्र करने की साजिश चल रही है। दिग्विजय सिंह का बयान यह दिखाता है कि पाकिस्तान के साथ कांग्रेस की साठगांठ अच्छी है। यह कश्मीर की शांति और वहां के लोगों को बेहतर हो रहे जीवन को बिगाड़ने की एक कोशिश है। हाल में ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने भी दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने ट्वीट किया, वह अपने पाकिस्तान परस्त रुख के लिए जाने जाते हैं। अगर ऐसा रहा तो एक दिन वह पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए इंदिरा जी की निंदा करेंगे। क्या आप भी हैं ब्रांड के शौकीन? तो आज ही आइए रेमंड शोरूम सिंगरौली और पूरे करिए अपने शौक हमारे साथ। आपको मिलेगा कंप्लीट ड्रेस, शर्ट, पैंट, ब्लेजर, जींस, परफ्यूम और बहुत कुछ। साथ ही कोरोना में अपने कस्टमर का रखते हैं पूरा ध्यान। हैंड सैनिटाइजेशन विद थर्मल स्क्रीनिंग। हमारा पता है सर्किट हाउस रोड नियर अगंतुक होटल सिंगरौली। कॉन्टेक्ट नंबर 6261237045 7225877048। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।